आसमान से आफत की बूंद बरस रही है। पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से आपदा दिख रही है उससे कई नदियां इन दिनों उफान पर हैं। वहीं जीवन दायिनी माँ गंगा भी रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि वाराणसी के 84 घाट जो 12 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए हैं, उनका भी आपसी संपर्क एक दूसरे से टूटने लगा है। इन घाटों के किनारे स्थित सैकड़ों मंदिर गंगा के जल में डूब चुके हैं। फिलहाल तो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। बढ़ते हुए गंगा के जल स्तर को देखते हुए जल पुलिस और NDRF की तैनाती घाटों पर की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार आपदा जो आसमान से बरस रही है उसकी झलकियां भी आपने देखा होगा, लेकिन इस समय शिव की नगरी काशी में गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि बनारस के जो 84 घाट हैं, जो घाटों का एक दूसरे से संपर्क था वो टूट चुका है। कई ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो गंगा के इस आघोष में समा चुके हैं। ऐसे में जो गंगा के घाट के किनारे की रौनक थी, वो ऐसे ही गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता रहा, प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर के रफ्तार से गंगा अपना पांव पसार रही हैं, ऐसे ही बढ़ती रही तो जो नाव संचालन है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। एक महामारी कोविड की थी जो इनके पेट पे पड़ी, अब दूसरी महामारी इनके ऊपर बाढ़ की पड़ने वाली है। कई ऐसी गंगा से सहायक नदियां हैं जो इन दिनों उफान पे हैं। क्या अब माझी समाज के नेता हैं, गंगा पुत्र भी आपको कहा जाता है, क्या स्थिति है इस समय गंगा की? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गंगा का जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑलरेडी हम लोग, हमारे समाज के लोग काफ़ी समस्या का सामना किए हैं, जो कोविड की वजह से हम लोग 18 महीने 20 महीने जो लोग बैठे हुए थे, ऑलरेडी हमारे समाज के लोग आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान थे। सब लोग अपने गहने बेच बेच के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, मगर इस समय गंगा मैया एकदम उफान पर चल रही हैं। अगर लगातार इसी तरह गंगा मैया अगर बढ़ती रहेंगी तो हम लोग का जो नौका संचालन है वो शासन और प्रशासन से आदेश द्वारा बंद कर दिया जाएगा। किसी तरह का घाट पे जो यात्री आ रहे हैं, सावन का मास चल महीना चल रहा है, ऐसे में कोई यात्री को अलर्ट किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि गंगा में ना उतरे, बाढ़ है? लगातार जल पुलिस के लिए जो लोग हैं यहाँ पे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि गंगा का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आप लोग गहरे पानी में जाकर स्नान करें। हम लोग भी अपने नाव में बैठे हैं, जो यात्री बाहर आकर स्नान कर रहे हैं तो उनको मना करने का काम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सावन का महीना है और श्रद्धालु जो हैं वो काफ़ी संख्या में गंगा किनारे आते हैं, स्नान करते हैं और बाबा का जलाभिषेक के लिए यहाँ से जाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं NDRF की टीम भी बैठी हुई है घाट किनारे, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो श्रद्धालुओं के साथ, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गंगा आरती की जो जगह है वो अगर ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो कल गंगा का जो मुख्य आरती स्थल है उसको चेंज करना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे में लगातार जो बनारस के घाट हैं अब वो जलमग्न हो चुके हैं और जो शव दाह किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता, वो भी जगह अब धीरे धीरे चेंज होने लगी है। सावन महीना चल रहा है, ऐसे में श्रद्धालु घाट किनारे पहुंच रहे हैं जो गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं और जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करना चाहते हैं। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसलिए लगातार जल पुलिस अनाउंसमेंट कर लोगों को सचेत कर रही है। आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यदि गंगा इसी तरह बढ़ती रही तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती स्थल भी जल प्रवाह के आगोश में आ जाएगा, जिसके कारण गंगा आरती के स्थान में तब्दीली हो जाएगी। फिलहाल तो नागरिकों का कहना है कि पहले COVID-19 और अब बाढ़ की मार, दोनों से नाविक समाज पूरी तरह से टूटने वाला है। ऐसे में अगर सरकार नाविक समाज के लोगों पर ध्यान दे तो शायद उनका जीवन बचाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बाढ़ का पानी इतना बढ़ जाएगा कि नाव संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बाढ़ के समय कई महीने नाव का संचालन बंद रहता है, जिसकी वजह से उन्हें जीवन यापन करने में दिक्कत होने लगती है। फिलहाल तो पहाड़ों पर हो रही तबाही के कारण गंगा के साथ जुड़ी सहायक नदियां भी इन दिनों अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। गंगा का जल स्तर तो काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है और घाटों का लगभग समस्या बहुत ज़्यादा हो गया कि घाटों का संपर्क टूट चुका है 84 घाटों का। और ये देखिए, गंगा का जल स्तर भी बढ़ चुका है, बस थोड़ा सा पानी और रहेगा, एक आध दो सीढ़ी बचा हुआ है, और हमारे हिसाब से शाम तक तो वो भी डूब जाएगा। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि सरकार हम लोग को देखते हुए कम से कम समय में का ध्यान दे, उसको ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि पहले ही 2 साल से हम लोग पीड़ित हैं और उसके बाद तो अभी गंगा का जलस्तर फिर आ जा रहा है, तो फिर हम लोग 4 महीना ऐसे ही बैठ जाएंगे। खतरा तो है, काफ़ी है खतरा, लेकिन हम लोग बोट वाले हैं तो खतरे को ध्यान देते हैं। गंगा आरती का जगह वहीं है, बस 2 सीढ़ी बची हुई हैं, शाम तक वो भी डूब जाएंगी।
और गंगा आरती अब ऊपर होगा शायद हमारे हिसाब से, पानी बढ़ जाने के कारण के भी प्रभाव पड़ रहा है, कस्टमर आना कम हो गए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।